हेलो बाबू, देखो तुम कहाँ रह रहे? देखो अभी हम लोग नानी घर आए हुए हैं बाबू। आज कितना तारीख है बाबू? आज कितना तारीख है बोल? आज 16 जून है। देखो तुम नानी के घर आया हुआ है। आज 16 जून को हम ससुराल आए हुए हैं। ससुराल में साली लोग हमको काम पे लगा दी है, उन्हें आराम कर रही है और हमको बोल दिए जीजा जी आप काम कीजिए और पिड़की क्या कर रही है? पिड़की बना के खिलाइए इसको, अच्छा से पूरा मेस करो, ऐसे नहीं जाने। उसके बाद ये है खोवा भी भुंजा रहा है। इन लोग को पिड़की खाने का शौक है, बोलिए पिड़की खाएंगे। खाने का शौक मेरे पति देव को है। सूजी वूजी सब हो गया। ये साली लोग साइड में खड़ी है और अभी देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तब देख ली है। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तब आ गई है हाथ बटाने के लिए, सबसे खड़ी थी। देखिए सर आज हम लोग बाबू आज हम लोग खोवा बना क्या बनाएंगे? पिड़की बनाएंगे। आज पिड़की खाने वाले हैं। लगभग ये हो ही चुका है, खोवा वाला काम हो गया है। ये हमारा सूजी है, ये ड्राई फ्रूट्स को फिर फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स उसके बाद क्या करना है सब मिला देना है। हो गया, इसमें सूजी को मिला देते हैं ना पहले। मिलो, देखिए खोवा डालने, खोवा भूंजने के बाद आराम से इस तरह सूजी नारियल और अभी ड्राई फ्रूट्स को हम करेंगे इसमें डाल दे। और सूजी क्या, सूजी जितना कम रखिएगा उतना स्वाद आएगा खोवा का, एकदम मस्त टेस्टी यम्मीलिशियस लगेगा। डाल दिए देते, अब क्या करेंगे इसको इतना। चलिए मिलाओ अच्छा से, तो करो इसको, तुमको कुछ नहीं आता है तो देखो सीखो हमसे कैसे बनाया जाता है। सी इज गुड फॉर नथिंग। अब खिलाएंगे भी सारा डायरेक्शन मेरा, काम मेरा। ये देखिए एक साली जी, बस बाबू आ गया मेरा। बाबू बड़ा होगा, वीडियो देखेगा, पापा जी मम्मी जी और मेरी मौसी लोग सब मिलके हमको खिड़की बना के खिलाया करती थी ना बाबू। एक देखिए, एक वहाँ पे बैठ गई है, कुछ छिपा रही है, अभी खा रही थी, अभी कोल्ड कॉफी पी है। जीजा जी ही बना के पिला है कोल्ड कॉफी। बहन क्या करेगी, हुआ थोड़ा देर। हमारा स्टफिंग बन चुका, ये देखो स्टफिंग है। ये स्टफिंग का सारा काम हो गया। इसमें आप चीनी को मिला ले, चीनी को कभी भी खड़ा ना दे, ये जब भी दे चीनी का पाउडर फॉर्म बना ले अपने मिठास के अनुसार, जिस तरह आप मिठास को प्रेफर करते उसके अनुसार आप दे। ये देने के बाद आप इसे अच्छे से मिला ले, चला ले, ठीक है। ये हम बना लिए हैं, स्टफिंग का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम डो बनाएंगे। मैदा का, मैदा हम लिया है और ये यहाँ पे मोम डाल रहे, डालो। आज गर्मी बहुत ज्यादा है पर साली लोग का डिमांड था, गुजिया खाएंगे, गुजिया खाएंगे जीजा जी, पूरा पसीना पसीना हो रहे, फिर भी साली लोग के लिए, साली लोग के डिमांड में कर दे रहे। मोम डाले, मोम उतना डाले जब तक वो हाथ में ऐसे मतलब बाइंड ना हो जाए, ठीक है, बिना पानी के बाइंड हो जाए, इतना तक मोम डालिए। अभी हम देख लेते हैं, बस अभी रुक जाओ, मेरा बुतरू आ गया है, ठीक है। बुतरू बड़ा होगा देखिएगा। ओहो चोट, मेरा बाबू जो है चीनी मिलाते हुए स्टफिंग में, देखिए नीचे एक चीनी गिरा दिया था, वही चीनी को मिला रहा है वो। बाबू नीचे वाला नहीं दो, छोड़ दो बाबू, मेरा सोन ना। हाँ गुड, वेरी गुड, अरे वाह मिल गया, हो गया, आप छोड़ दो। और ये हम मोम वाला काम कर रहे, मोम हो गया इसमें, इसको मिला रहे और ये स्टफिंग जो चीनी डाले थे
चीनी को मिला रहे हैं। देखो ये स्टफिंग गिराएगा फिर बाबू, इसको अच्छे से दोनों हाथ से करके मिलाना है एकदम, और ये ऐसे करने पे ना ये बाइंड हो जाए, हो ही रहा है ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये ऐसे बाइंड हो जाता है ना तो इसका मतलब होता है कि मोम हम अच्छा डाले, मतलब ठीक है ना, कम ना ज्यादा मिलाते दोनों हाथों से। रोड में नहीं फेंकते, देखो इस बाबू तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, देखो साचा फेंक रहा है। अभी हम लोग का दोगो बना है, तुम्हें नहीं बनाना बाबू, हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाओगे? एक देने तो एक बर्बाद होगा। अच्छा देखो मेरा बाबू बना रहा था, पानी लगाई हो गया बाबू। हाँ गुड, अच्छा चार निकाल लिया, हो गया बाबू, हो गया, दो मेरे को दो। ओह ये देखिए अपने लास्ट स्टेज पे फ्राई होते हुए, इसे हम डीप फ्राई करेंगे। आज जब तक ये अच्छे से गोल्डन कलर का नहीं हो जाता तब तक हमें इसे फ्राई करना है। देखते हैं फ्राई करने के बाद क्या है नहीं है कैसा रहेगा। ये ना घूम जाता है, इसको हमेशा चलाते रहना होगा आपको।